सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, लगातार हम आनंद मार्ग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसे जीवन दर्शन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें निहित बातों को समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाने की लगातार प्रक्रिया जारी है। आपको बताना चाहूंगी कि आनंद मार्ग के संस्थापक हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी और हमारे साथ मौजूद है आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी महाराज। सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर पर्सनली भी आप आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को बताकर उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ आपको 4 अपॉइंटमेंट नंबरों पर कॉल करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स कराना है। पर्सनली भी आप मिल सकते हैं, मार्ग में जा सकते हैं, आनंद मार्ग से सीधे जुड़कर इसमें निहित बातों को समझते हुए अपने जीवन को खुशहाल और संपन्न बना सकते हैं। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे थे त्रिस्तरीय विषयों को लेकर। आचार्य जी, अगर समाज शास्त्र, हम तीसरे विषय पर आ चुके हैं, समाज शास्त्र की बात की जाए तो समाज शास्त्र को किस तरह से देखता है आनंद मार्ग, क्या बताएंगे आप? हम पिछले दिन चर्चा कर रहे थे भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो अवदान त्रिशास्त्र में है जी, उसी की चर्चा करते हुए दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, अब चर्चा करेंगे समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र की, क्योंकि इनका जो अवदान है उसको हम तीन भाग में ले सकते हैं, जिसको कहते हैं त्रिशास्त्र। और किसी भी युग को चलाने के लिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए त्रिशास्त्र की आवश्यकता होती है। चूंकि भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी युग के अनुरूप महापुरुष इस धरती पर आए युग को दिशा प्रदान करने के लिए, इसलिए पूरा त्रिशास्त्र लेकर के आए। इसी को त्रिदंड कहते हैं जी, जी, जी। ये त्रिदंड लेकर के आए। तो इनका जो समाज शास्त्र है, शास्त्र कहते हैं जो शासन के द्वारा त्राण दिलाए इन द सेंस, मतलब लिबरेट करे, छुटकारा दिलाए। त्राण माने छुटकारा, जैसे आपको प्यास लगी है तो कोई ठंडा एक गिलास पानी पिला दे तो प्यास से आपको त्राण मिल गया, बिल्कुल मुक्ति मिली। भूख लग गई जी, किसी ने भोजन करा दिया, तुम्हारी भूख तो भूख से त्राण मिल गया, छुटकारा मिल गया। तो त्राण माने राहत, छुटकारा, बंधन से मुक्ति, मुक्त होना। तो समाज अगर चाहता है त्राण पाना तो उसके लिए शास्त्र चाहिए, क्योंकि वो शासन के द्वारा समाज को त्राण दिलाता है। तो समाज को मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता जी, लेकिन समाज की जो गाड़ी है वो सुचारू रूप से चलती है। आज चूंकि समाज ठीक से नहीं चल पा रहा है जी, तो इसका कारण है कि समाज का जो शास्त्र है वो बिगड़ चुका है, वो आज के अनुरूप नहीं है। बिल्कुल बिगड़ता बनता नहीं है जी, वो शास्त्र दिया गया हाँ। लेकिन वो पुराना हो गया। कपड़ा बहुत अच्छा था, ढाका का सिल्क था, चाइनीज सिल्क था, लेकिन 100 साल पुराना है तो उसका कुर्ता क्या बनेगा? नहीं, लेकिन आचार्य जी, कहा जाता है कि सिल्क कभी पुराना नहीं होता और सिल्क का फैशन कभी जाता नहीं है। तो ये ठीक उसी प्रकार से सिल्क से और कपड़े से शास्त्र की चर्चा नहीं हो सकती जी, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, कानून बदल जाता है, जैसे गवर्नमेंट को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता समय समय पर पड़ती है, पार्लियामेंट उसको कानून बनाती है, उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए जो कानून बनता है उसी को कहते हैं समाज शास्त्र। ये काम होता है युग मनीषी का, युग पुरुष का जी। तो इस दिशा में ये समाज के शास्त्र रहे हैं, आए हैं, और ये पहला मौका नहीं है। अब तक जो मौजूद शास्त्र हैं उनको स्मृति कहते हैं, उसमें है पराशर स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, मनुस्मृति। ये स्मृतियां दी गई समय समय पर और उस पर समाज आगे चला, लेकिन चूंकि समाज आगे बढ़ गया
और क्योंकि विकास क्रम में आदमी पीछे से आगे की तरफ चलता है, तो आगे के समाज की आवश्यकता, जब कोई स्मृति कोई शास्त्र पूरा नहीं कर पाता तो फिर उसको एक नए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हिंदू समाज मनुस्मृति पर चलता था जी। लेकिन 1937 में कानून बनाना पड़ा, हिंदू गेन ऑफ लर्निंग एक्ट, जिसके मुताबिक पढ़ा लिखा आदमी ज्वाइंट फैमिली से पढ़ा लेकिन पढ़ करके जो कमाई करता है उस पर ज्वाइंट फैमिली का अधिकार नहीं रह जाता, क्योंकि उसके लिए हिंदू गेन ऑफ लर्निंग एक्ट बन गया। पढ़े लिखे आदमी अपनी सुविधा के लिए कानून बना लिया जी। अगर एक भाई अनपढ़ रह गया हाँ। और एक भाई पढ़ गया तो अनपढ़ भाई पढ़े लिखे भाई की कमाई से हिस्सा मांग सकता नहीं अपने से कानूनी तौर पर। अच्छा। 1954 में मैरिज एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से, इसका मतलब कि हिंदू समाज मनुस्मृति पर नहीं चल पाया, मनुस्मृति समाज को दिशा प्रदान करने में सक्षम नहीं रही, तो पार्लियामेंट को कानून पास करने की आवश्यकता पड़ेगी। 1956 में जी। हिंदू सक्सेशन एक्ट बना, क्योंकि हिंदू समाज में मिताक्षरा दया भाग और बहुत सारे स्कूल हैं जिसको लेकर के हिंदू समाज चलता था, उसके मुताबिक पुराने कानून के मुताबिक जी। मिताक्षरा लॉ के मुताबिक फैमिली प्रॉपर्टी में लड़की का राइट नहीं, लेकिन अब हो चुका, अब हो गया। लेकिन 56 के कानून से जी। लड़की भी कोपार्शनर बन गई, बिल्कुल भाई और बहन में कोई अंतर नहीं है फैमिली प्रॉपर्टी में, तो वो मनुस्मृति में तो ऐसा विधान नहीं था जी। तो इसका मतलब है कि मनुस्मृति भारत के उस समय के समाज को शासित करने में सक्षम नहीं थी। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो शासित नहीं कर पाई। इस प्रकार से अगर मनुस्मृति के दृष्टि से आप देखेंगे तो ये समाज नहीं चल सकता। उसमें पनिशमेंट का सिस्टम, सक्सेशन का सिस्टम, या जीवन से लेकर के मरण तक जो गाइडेंस का काम है स्मृति का, शासित करना, उस पर नहीं चल सका समाज। इसलिए पार्लियामेंट कानून बनाते जा रही है। अभी भी समाज को चलाने के लिए कानून की आवश्यकता है, लेकिन पार्लियामेंट में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का कानून पूरे देश के लिए एक पर्सनल लॉ बना सके। लेकिन आचार्य जी, कानून की आवश्यकता है समाज को, ताकि समाज सही तरीके से चल सके, उसके जो काम है वो सही तरीके से हो सके, लेकिन कानून का पालन करना भी तो समाज का कर्तव्य बनता है। आज का जो परिदृश्य है उसे देखते हुए तो हम नहीं कह सकते कि किसी कानून का पालन हमारा समाज में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे हम हैं चाहे लोग जो हमारे सामने दिखते हैं, वो करते हैं कानून का पालन। अभी इस विषय पर हम जवाब बाद में देंगे जी, क्योंकि अभी हमारा विषय है समाज शास्त्र जी जी जी, क्योंकि कानून पर हम व्यवस्था पर बोलेंगे तो उसमें हम एपिसोड में उसको कवर करेंगे जी जी, आपके प्रश्न का हम ध्यान रखेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि समाज को चलाने का जो कानून है वो स्मृति देती है। तो आज चूंकि समाज विकसित होते 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 इतने आगे बढ़ गया है कि बहुत सारी चीजें मिट गई हैं, बहुत सारी चीजें उभर करके सामने आ गई हैं, इसलिए इस समाज को एक नए स्मृति की आवश्यकता, एक नए शास्त्र की आवश्यकता है। इसलिए युग प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंदमूर्ति जी ने जब उन्होंने एक मानव समाज की कल्पना की, एक विश्व व्यवस्था की कल्पना की, जब प्लानिंग की जी। तब उसमें ये भी उन्होंने प्लानिंग की 1956 में ही कि उसका उसकी स्मृति क्या होगी, तो उसी को कहते हैं चर्याचर्य, चर्य अचर्य, डूज एंड डोंट्स। क्योंकि मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बुजुर्ग होकर इस धरती पर से विदा हो जाता है, तो उसको जन्म से लेकर के मरण तक उसको शासित करने के लिए, चलाने के लिए, गाइडेंस देने के लिए लॉ चाहिए, कानून चाहिए, वही है चर्याचर्य। तो वो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पुरानी स्मृतियां तो थी लेकिन आज के लायक नहीं थी जी। इसलिए प्रवर्तक ने, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने चर्याचर्य दिया। जैसे शुरुआत होती है, बच्चा जन्म लेता है इस धरती पर, बिल्कुल, तो उसको उसको जन्म लेने के बाद 6 महीने के बाद बच्चे के शरीर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए
एक्स्ट्रा माँ के दूध के अलावा उसको एक्स्ट्रा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आचार्य जी इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बताना चाहेंगे अगर पर्सनली भी आप आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, तो फॉर अपॉइंटमेंट नंबर पर फटाफट कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। पर्सनली भी आप मिल सकते हैं आचार्य जी से, आनंद मार्ग से जुड़ सकते हैं और इसके जीवन दर्शन को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आनंद मार्ग में। अगर पर्सनली भी आप आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, तो फॉर अपॉइंटमेंट नंबर पर फटाफट कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, पर्सनली भी आप मिल सकते हैं। दर्शकों लगातार हम त्रिशास्त्र को लेकर चर्चा कर रहे थे और समाज शास्त्र जो तीसरा अध्याय है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी त्रिशास्त्र को लेकर चर्चा हो रही थी, समाज शास्त्र के विषय में आपने काफी हमारे दर्शकों को बताया कि अगर एक बच्चे की बात की, बच्चा पैदा होता है तो उसकी शुरुआत होती है माँ के दूध के बाद, उसे आवश्यकता होती है बाहरी भोजन की, भोज्य पदार्थों की, एक रोटी की, दूध की और फ्रूट्स की। आगे आप क्या बता रहे हैं, किस तरह से इस प्रक्रिया को पार किया जाता है? इसके लिए चर्याचर्य में विधान है जी, अन्नप्राशन या नामकरण संस्कार जी जी। ये पहला संस्कार है जब आदमी समाज में प्रवेश करता है और बच्चे के शरीर का विकास हो रहा है, तो 6 महीने के बाद उसको सीरियल्स की आवश्यकता पड़ जाती है जी जी। इसलिए 6 महीना पूरा होते ही बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार करने का विधान चर्याचर्य में है जी। और ये इसमें दो बात ध्यान देने की है, एक तो है कि बच्चे का नामकरण कैसे हो, क्या नाम दें जी। तो मनुष्य शरीर धारण करता है अपने संस्कार के अनुरूप, उसी का अनुरूप शरीर भी मिलता है, मन भी मिलता है और जीवन की यात्रा बच्चा शुरू कर रहा है जी। उस दिन अन्नप्राशन के दिन बच्चा समाज में प्रविष्ट हो रहा है,
तो उसमें हम एक काम कराते हैं कि बच्चे को वैज्ञानिक विधि से, जैसा गुरुदेव ने सिस्टम दिया है, उस विधि से नामकरण उसका करते हैं। और नामकरण का चुनाव होता है बच्चे के संस्कार के अनुरूप, जो आचार्य जानते हैं उस सिस्टम को, उस अनुसार बच्चे का नाम देते हैं। उससे उसका विकास ठीक होता है, क्योंकि संस्कार के अनुरूप अगर नामकरण हो गया तो उसके विकास में कहीं बाधा नहीं पड़ती है। दूसरी बात यह है कि बच्चा शरीर मन आत्मा लेकर के और इस समाज में प्रवेश कर रहा है। बिल्कुल। अब यह है कि चर्याचर के मुताबिक नामकरण अनुप्राशन संस्कार में एक विशेषता है कि ये आदमी न समझे कि बच्चा केवल इस घर का है और इस घर के लोगों की ही जिम्मेदारी है, समाज के लोगों के सामने होता है। और बच्चे के शरीर मन आत्मा तीनों को विकास करने के लिए चर्याचर के मुताबिक सभी शपथ ग्रहण करते हैं कि इस बच्चे के शरीर के विकास के लिए, मन के विकास के लिए, आत्मा के विकास के लिए जी हम उपयुक्त व्यवस्था करके सामाजिक व्यवस्था उसको करेंगे। मतलब पूरा समाज उस बच्चे के साथ होता है, समाज होता है, बच्चा भी समझता है कि मैं समाज का हूँ, बड़ा होकर के समझेगा, बिल्कुल सुनेगा कि मेरा नामकरण हुआ था समाज में। तो एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए ये चर्याचर की व्यवस्था है कि घर का बच्चा नहीं रहा, समाज का बच्चा रहा। बिल्कुल। दूसरी बात है, बड़ा होने पर जब आदमी गृहस्थ में प्रवेश करता है तो अवश्य ही लड़का लड़की के संयोग को तय करके और उस पद्धति को विवाह कहते हैं जिसकी शुरुआत भगवान शिव ने की थी। जी जी। अब यह है कि इतिहास में 12 प्रकार की शादियां दी गई है, उसका विधान है। चर्याचर के मुताबिक 13वां विधान है कि जिसमें माता पिता तो शादी तय करते ही हैं, लड़का लड़की भी वयस्क हैं, उनका भी विचार लेना आवश्यक है। लड़का लड़की अगर नहीं पसंद करते हो तो शादी नहीं हो सकती। तीसरी पार्टी है आचार्य, आचार्य की भी अनुमति आवश्यक है क्योंकि वो देखेंगे कि संस्कार के मुताबिक दोनों का भविष्य कैसा रहेगा। उसको लेकर के एक विशुद्ध ऐसा तरीका है कि कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि चर्याचर के मुताबिक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने मानव समाज की कल्पना की है, एक मनुष्य का समाज और एक विश्व व्यवस्था। ये चर्याचर उसी व्यवस्था के लिए है समाज शास्त्र, कि हम एक मानव की समाज की व्यवस्था कर सके। इसलिए इस प्रकार के विवाह विधि को अपनाने में किसी को भी असुविधा नहीं है। बिल्कुल। और ये विधि पूरे विश्व में ये अपनाई जा रही है, और शायद आज यही विवाह की पद्धति प्रचलित भी है, क्योंकि वैदिक परंपरा में ये शादी को 7 फेरे दिए जाते हैं। 7 फेरे का मतलब है कि 7 पीढ़ी मातृपक्ष से और 7 पीढ़ी पितृपक्ष से इतनी दूरी होनी चाहिए। इतने स्टेप्स में शादी नहीं हुई, प्रोहिबिटेड डिग्री है जी। आनंद मार्ग में है कि ये डिग्री और बढ़नी चाहिए, तो हम लोग इंटरकास्ट, इंटर कम्युनल, इंटर कॉन्टिनेंटल भी मैरिज हम लोग इनकरेज करते हैं, क्योंकि अगर एक विश्व का परिवार बनना है तो जितनी रेशियल ब्लेंडिंग होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुताबिक, जीन्स का म्यूटेशन जितना दूर का होता उतना ही औलाद स्वस्थ होगी और इंटेलिजेंट होगी। इंटर कॉन्टिनेंटल की बात की जाए आचार्य जी, तो ये किस तरह का विवाह? इंटररेशियल। बिल्कुल। जैसे अमेरिका का लड़का है, भारत की लड़की है, या भारत का लड़का है, इंग्लैंड की लड़की है, इस प्रकार का इंटररेशियल इंटर कॉन्टिनेंटल मैरिज। और ये शादियां सफल हो रही है और पूरे विश्व को सूत्र में, एक सूत्र में मानने के लिए ये सहूलियत होगी, क्योंकि प्राचीन काल में भी ऐसा विधान था। चंद्रगुप्त की शादी चाणक्य ने कार्लेलिया से, सेल्कुस की लड़की से कराई, क्योंकि लैंड रूट से ग्रीस उस समय भारत का रास्ता देख लिया था, भारत को खतरे थे, इसलिए चाणक्य कौटिल्य जैसा आदमी भारत को सुरक्षित करने के लिए वहां से एक पॉलिटिकल मैरिज करा दी। जी जी। तो विभिन्न प्रकार की शादियां हुई है इतिहास में। तो आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए और आदमी को निरोग औलाद पैदा करने के लिए और इंटेलिजेंट औलाद पैदा करने के लिए इस प्रकार की उन्होंने चर्याचर में व्यवस्था थी, क्योंकि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को प्लांट लाइफ में, एनिमल लाइफ में प्रयोग किया गया और इसका प्रयोग बहुत ही सफल हुआ। इससे हम स्वस्थ मानव समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो इसमें एक तो है 7 पीढ़ी का, दूसरा है अग्नि की साक्षी। चर्याचर के मुताबिक
हम जब डरते थे कि अग्नि बहुत पावरफुल है, हर चीज को भस्म कर देती है, उस समय तक तो ठीक था जी। लेकिन हम आप समझते हैं कि उससे भी पावरफुल तो समाज है, इसलिए आनंद मार्ग की शादी में समाज का साक्षित्व है, अग्नि का नहीं। इसलिए उपस्थित जितने लोग जो शादी को विटनेस करते हैं, सब लोग उसको उसमें सहयोगी बनते हैं, उसमें शपथ ग्रहण करके करते हैं कि वर वधू को हम आशीर्वाद देते हैं, उनको सहयोग करेंगे समाज करने के लिए। इसलिए इस प्रकार के मैरिजेज में तलाक की बहुत कम संभावना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को का इसमें समावेश है। अंतिम इसमें मनुष्य का अंतिम चरण है देह का अवसान। जी, आदमी धरती पर आया है तो एक दिन शरीर छोड़ करके जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्राद्ध कर्म जो भारत में और पूरे विश्व में है, एक बहुत बड़ी कुरीति का रूप धारण कर लिया है। जी जी। और इसमें मरने, जिंदा रहने पर तो कष्ट है, मरने पर मरने वालों के घर को इतना कष्ट हो जाता है कि ये फार ईस्टर्न कंट्रीज में, चाइना में, जापान में, जी जी, ये मरने पर और कष्ट हो जाता है, क्योंकि इतना वहां पर विधान अवधान है। बिल्कुल। जब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होती है और वो भी उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि वो शायद वो क्रिया को करने पाते। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से कहूंगी, अगर पर्सनली भी आप आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, तो फटाफट 401 नंबरों पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। कार्यक्रम के द्वारा आप बहुत सारी बातों को तो जानते ही, अगर पर्सनली जुड़ेंगे तो और भी बहुत सी बातों को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।